हेलो एवरीवन, आई एम काजल पंचोली। वेलकम टू माय चैनल तुलसी ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। आज का टॉपिक है ग्लोबल हेयर कलर। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ग्लोबल कलर मतलब पूरे हेयर में कलर करना। ग्लोबल के साथ साथ मैंने रूट टचअप भी किया है, क्योंकि क्लाइंट के हेयर जो हैं वो थोड़े से ग्रे हेयर भी हैं। तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली हैं कि आप रूट टचअप के साथ ग्लोबल कलर कैसे कर सकते हैं। ये जो आज मैंने ग्लोबल कलर किया है, वो मैंने जो क्लाइंट के हेयर का कलर है वो सेम कलर से किया है। ग्लोबल कलर काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। आगे मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी ग्लोबल हेयर कलर के, लेकिन आज की वीडियो में मैंने जो बेस कलर है उसी कलर से मैंने ग्लोबल हेयर कलर किया है। तो बिगिनर्स हैं वो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है ग्लोबल हेयर कलर करना। तो बिगिनर्स हैं वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल तुलसी ब्यूटी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाजू में बेल आइकन आएगा तो उस पर आप क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल हेयर कलर कैसे करते हैं। ग्लोबल हेयर कलर करने के लिए मैंने हेयर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है, ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ली है, एंड बैक साइड पे भी मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है हेयर को। मैंने मैट्रिक्स का कलर लिया है, एंड इसका रेशियो है 1:1.5, यानी कि जितना आप कलर लेंगे उससे 1.5 गुना आपको डेवलपर लेना है। मैंने मैट्रिक्स का 20 वॉल्यूम वाला डेवलपर लिया है, क्योंकि मुझे बेस कलर ही करना है, यानी कि क्लाइंट के जो हेयर का कलर है वही मैंने डेवलप किया है। अगर आपके पास जो क्लाइंट आए हैं उनको 1 या 2 शेड लाइट कलर चाहिए, या आपको लिफ्ट करना है 1 या 2 शेड, तो उस हिसाब से आपको डेवलपर लेना पड़ेगा, यानी कि 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम, डिपेंड के आपके क्लाइंट को कौन सा कलर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट किया है हेयर कलर करना। मैं रूट टचअप भी साथ ही कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं डब डब करके लेंथ में भी अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी स्पीड कम है और क्लाइंट के हेयर ग्रे हैं, तो आप पहले रूट टचअप कर लीजिएगा, इसके बाद आपको लेंथ में कलर अप्लाई करना है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर क्लाइंट के ग्रे हेयर हैं और ग्लोबल हेयर कलर करवाना चाहते हैं, तो आप पहले रूट टचअप कर लीजिए, ग्रे कवरेज कर लीजिए, इसके बाद आप लेंथ में कलर अप्लाई कर लीजिएगा। लेकिन मैं स्पीड मेरी ज़्यादा है, तो मैं रूट टचअप के साथ साथ ही लेंथ में भी अप्लाई कर रही हूँ। जब रूट टचअप के साथ ग्लोबल हेयर कलर करते हैं, तो ग्रे हेयर को कवर करने के लिए बहुत ही पतले सेक्शन लेने पड़ते हैं। 1/2 इंच के सेक्शन पे मैंने काम किया है। तो आप भी बिगिनर्स हैं तो बहुत ही मोटे सेक्शन ना लें, नहीं तो ग्रे हेयर रह जाएंगे। और क्लाइंट कई बार कंप्लेन भी करते हैं कि कलर करने के बाद भी इनके हेयर ग्रे रह गए हैं। तो काफ़ी पतले पतले सेक्शन लेकर मैंने काम किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही पतले सेक्शन लिए हैं। पहले रूट पे मैंने अप्लाई किया है, इसके बाद लेंथ पे मैंने डेप डेप करके अप्लाई किया है हेयर कलर। आप देख रहे हैं कि मैं कलर को एंड तक नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ डेप डेप करके मिडिल टू एंड के पास से थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद हमें अच्छे से इमल्सीफाई करना है कलर को। इमल्सीफाई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तभी पूरे हेयर में कलर अप्लाई होता है। अगर आप ऐसे ही ब्रश से कलर अप्लाई करके छोड़ देते हैं, तो अच्छे से कलर अप्लाई नहीं होगा और रूट टचअप भी अच्छे से नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही अच्छे से कलर को इमल्सीफाई कर रही हूँ बार बार। इमल्सीफाई करने से कलर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है हेयर में,
और मैंने मैट्रिक्स का 4 नंबर का कलर लिया है, क्योंकि इनके जो हेयर हैं वो भी 4 नंबर के हैं, तो मैंने बेज कलर का ही कलर डेवलप किया है हेयर में। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और इनके हेयर 4 नंबर के हैं या 3 नंबर के हैं और इनको लाइट शेड चाहिए, तो आप 5 नंबर या 6 नंबर का कलर ले सकते हैं। वो मैं जब और भी क्लाइंट मेरे पास आएंगे ऐसे कलर करवाने के लिए, तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको और भी नॉलेज मिल सके। तो बैक साइड पे अब मैं कलर कर रही हूँ। मैंने फ्रंट साइड पे ईयर टू ईयर कलर कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नए पीरिया से स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट के जो हेयर हैं वो ग्रे रह जाते हैं। कई बार जल्दी से हेयर वॉश कर देते हैं तो ग्रे पूरी तरह से ग्रे हेयर कवरेज नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने पहले ईयर टू ईयर फ्रंट साइड पे कलर अप्लाई किया है। अब मैं बैक साइड पे नेप एरिया से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने नेप एरिया से कलर करना स्टार्ट कर लिया है, तो यहाँ पे भी अच्छे से कलर करना है, इमल्सीफाई करना है, आप देख सकते हैं। और कॉम को एक दो बार ही आप कॉम करेंगे हेयर में, ज़्यादा आपको कॉम नहीं करना है, नहीं तो जो कलर आपने डेवलप किया है हेयर में वो निकलता जाएगा। तो एक या दो ही बार आप कॉम करें। कलर करने से पहले आप क्लाइंट को एप्रन ज़रूर से पहना लें, जिससे कि क्लाइंट के कपड़े गंदे ना हो, और आपको भी एप्रन पहनना है जिससे कि आपके भी कपड़े गंदे ना हो। और कलर अच्छे से आप ब्रश में लें, जिससे कि इधर उधर ना गिरे और बिल्कुल भी गंदा ना हो। अगर आप नीट एंड क्लीन काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगेगा, तो आप ये बात खास ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के पूरे हेयर कवर हो चुके हैं। अब मैं राइट साइड पे भी पूरे हेयर को कलर कर रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैंने थोड़ी सी कट करके आपको वीडियो दिखाई है, लेकिन इतना देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल हेयर कलर कैसे करते हैं। ईयर टू ईयर जब सेक्शन हम लेते हैं तो वहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, अच्छे से कलर अप्लाई करना है जहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन हम लेंगे वहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रंट में कलर करते हैं और बैक में कलर करते हैं और पार्टिंग का जो पार्ट होता है वो रह जाता है, तो ये खास ध्यान रखना है आपको कि वहाँ पे भी आप अच्छे से कलर अप्लाई करें। कलर अप्लाई करने के बाद मैंने 30 to 35 मिनट्स के लिए रखा था, इसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिए थे। आपको एक बात खास ध्यान रखनी है, जो भी कंपनी का आप कलर अप्लाई कर रहे हैं उसी कंपनी का शैम्पू और कंडीशनर आपको लेना है हेयर वॉश करने के लिए। हेयर वॉश करने के बाद का जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको नहीं दिखाया है, वो मिस हो गया है, लेकिन आगे जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उसमें मैं आपको श्योर दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली मैंने आपको कलर अप्लाई कैसे करते हैं, ग्लोबल हेयर कलर कैसे करते हैं वो सिखाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल हेयर कलर कैसे करते हैं। आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। आपने देखा कितनी इजी तरीके से कितने कम टाइम में आपको ग्लोबल हेयर कलर कैसे करते हैं वो सिखाया है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। ग्लोबल हेयर कलर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, तो आगे और भी मैं वीडियोस ग्लोबल हेयर कलर के लेकर आऊंगी, जिसमें बेस कलर को 2 या 3 शेड लिफ्टिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल तुलसी ब्यूटी वर्ल्ड को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैंने पहले भी रूट टचअप कैसे करते हैं ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है, तो आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।